आज के जो हमारे गेस्ट हैं एवरग्रीन एवर यंग बोल्ड एंड बिंदास मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और जब वो स्टेज पे आएंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिए द सुपरस्टार वन एंड ओनली मिस्टर ऋषि कपूर। इससे पहले कि तुम बात करो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, ये लगता नहीं है कि दूसरा अवतार आ गया, इसमें बच्चा लग रहा है। सर बच्चे ही आपके? आपके हाँ बच्चे तो हैं लेकिन तुम और बच्चे लग रहे हो यार। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जब लास्ट तुम्हें देखा था तुम काफी जरा, अब तो बिल्कुल ही बच्चे हो गए हो तुम। गर्ल्स प्लीज नोटिस। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, आज मजा आने वाला पाजी। मेरे फेवरेट है ऋषि सर। तेरे तो फेवरेट है जी, पर तुम हिंदुस्तान में अगर किसी को पूछोगे ऋषि सर के बारे में, इनके परिवार के बारे में, तो ये परिवार एक संस्था है जो अमर है, अजर है और जब तक बॉलीवुड रहेगा इस परिवार का नाम चमकता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, पीढ़ी दर पीढ़ी महानायकों का परिवार है, चमक है कोहिनूर की, हर सितारे में जलवा हजार है। इनके वजूद का अंदाजा इस बात से लगा लो यारो, सागर की गहराई से अंबर की ऊंचाई तक इनका रुतबा बेशुमार है। क्या बात है। ये जो बुक आपको ऋषि सर ने गिफ्ट की है पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। खुल्लम खुल्ला इसका टाइटल है, जैसे ऋषि सर का स्वभाव है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। सर खुल्लम खुल्ला ही आपने टाइटल क्यों रखा? एक तो ये गाना मैंने ही गाया था जी, और दूसरा मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें साबित किया है या कहना चाहा है जी, वो एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है मेरा। बहुत लोग छुपा देते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैंने सब कुछ जितने जो कहना था कह दिया। अब मैं लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, अपने कन्फेशन करके मैंने सब कुछ खुलासा कर दिया। सर आपको इसकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए ऋषि सर यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार ताली एक बार ऋषि सर के लिए। पाजी फिल्मों में तो ऋषि सर ने जितने भी किरदार निभाए हैं हमेशा चर्चा में रही हैं, ट्विटर पे भी आपके काफी चर्चे रहते हैं सर। अब आपने अपनी बायोग्राफी जो है खुल्लम खुल्ला वो भी बहुत चर्चा में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर आपको चर्चा में रहने में मजा आता है? मतलब कि आप, पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं आप। हालांकि एक ट्वीट करके मैंने भी काफी बवंडर खड़ा कर दिया था, पर जो आप करते हैं वो कमाल करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता। मैं देखिए, पहले तो आपको ट्विटर के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप इसे क्यों, इस पर क्यों हैं आप। राइट मैं तो अपने मज़े के लिए रहता हूँ, इंटरेक्शन विद माय फैंस, मैं जो चाहने वाले हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रोल्स, जो नहीं भी चाहने वाले हैं, जो दुश्मन, तो वो तो बीच भवन में घुस जाता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ। आ जाओ मेरे सामने, तो कैच देम बाय द हॉर्न्स, यू नो, मैं उनको ऐसे आसान से नहीं मैं छोड़ता। बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर, कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो इंजॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया, फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मेकअप में ही जाने हैं। ब्रिलियंट, सुपर, सुपर। हमने सुना है कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्टर अपनी बायोग्राफी जो है वो खुद स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को दिखाएंगे। सर ये सच है कि आप स्टेज पे प्ले करने वाले हैं? ये डर डर के कह रहा हूं मैं, जी हाँ, कि मैं पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऐसे बैठ के आपके सामने सुनाने वाला हूं। क्या बात मजा आएगा सर, क्या बात। और उसका नवजोत मेरे ख्याल में मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है, वो 16 मार्च को मुंबई में होगा। क्या बात, एंड आई एम ट्राइंग टू दैट। और ये जो साहब कर रहे हैं वो कहीं हमारे बीच में बैठे हैं, इस नेम इज मिस्टर जयराम गोपाल। ओके, वो फाउंटेन हेड के ओनर्स हैं, वो इस किताब को आपके सामने इनैक्टमेंट में लाएंगे।
तो जयराम जी यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो ये आपका आइडिया था कि ऋषि सर इसको परफॉर्म करें ऐसे करके? ये एक्चुअली यू नो हम लोग एक फ्लाइट में थे बॉम्बे टू दिल्ली, वो टाइम पे इनके बुक के बारे में बात चल रही थी, तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली टुगेदर ये आइडिया निकला कि वाई डोंट ये इसको अगर हम स्टेज में लेके जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगा यू नो. और ये जो एक शो बन रहा है, फर्स्ट टाइम कोई आर्टिस्ट अपना एंटायर बायोग्राफी एनेक्ट करने वाले हैं, और जब ऋषि जी इज इन द मूड ऑफ दैट एनेक्टमेंट यू नो दैट इज हिलेरियस यू नो. तो आपको देखना चाहिए वो शो जब हम रिहर्सल्स में देखने जाएंगे. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको किस्सा सुनाया था जब मनमोहन देसाई साहब ने मुझे फोन किया था, तो उसे पढ़ने में और एक एनेक्ट करने में एक उसका दूसरा ही मजा है. क्या स्क्रिप्ट तो है नहीं जो दिमाग में उस वक्त वो आप कहेंगे. इसे मैं नीतू से कहता हूँ, झगड़ा मत करना सर, अगर झगड़ा करेंगे मालूम पड़े शाम का शो खराब हो गया. अच्छा, जब हमने जयराम की बात कर ली, आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट माई को ऑथर जिन्होंने ये जो मेरे साथ ये किताब ने लिखी है. पहले तो मैं उनको मेडल दूंगा. अच्छा, कि मेरे जैसे आदमी के साथ 3.5 साल पेशेंटली गुजारना बहुत बड़ी बात है. पहला मेडल नीतू को जाता है, दूसरा मेडल इसको जाता है. मीना अय्यर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस बुक में ऋषि सर के साथ को ऑथर हैं. और मीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. थैंक यू कपिल. कैसा एक्सपीरियंस रहा ऋषि सर के साथ 3.5 साल? जैसे उन्होंने बताया वैसे ऑलमोस्ट दूसरी बीवी वाला रोल निभाया आपने. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ किस्सों को लेके आप बहस की हो कि नहीं ऋषि जी ये तो आना ही चाहिए या ये नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई हुई चीजें? आप ऋषि जी के साथ बहस करके देखिए, यू कैन नेवर विन. मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है, पृथ्वी थिएटर. सर सब जानते हैं कि वो कपूर परिवार की देन है. सर आपने कभी बचपन में या कभी कॉलेज डेज में कभी किया थिएटर वगैरह? जी हाँ, एक बार पृथ्वी थिएटर के लिए मैंने प्ले में काम किया था. मेरा काम सिर्फ यह था कि सोने का, वो शादी का सीन था और मुझे बेड पे सोना था, बस यही मेरा रोल था. अच्छा. तो सो ही रहा था. अच्छा ऋषि सर, आपने इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने खूबसूरत टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके राज कपूर साहब, मैं सर आपकी फैमिली का ही फैन हूँ. मैं तो ये सोचता हूँ कि एक कपूर फैमिली ऐसी है कि जब बच्चा होता ना पैदा तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, आपका तो कन्फर्म ही है कि ये सुपरस्टार ही बनेंगे. तो सर बहुत सारी बुक एडिट कर दी गई क्योंकि इतनी लंबी बुक भी आप नहीं लिख सकते, हालांकि सारे पार्ट्स हम सुनना चाहेंगे. कोई ऐसा किस्सा भी है सर जो हम डायरेक्टली सुन सकते हैं अभी आपसे? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने किताब लिखी क्यों जी, इसके दो रीजंस हैं. एक तो लोगों का मानना है कि कोई एक्टर है तो उसका बेटा या बेटी तो कन्फर्म स्टार है, जैसे आपने अभी कहा, अभी बेसाख्ता आपने जो कह दिया. ये जो लोगों का सोचना है ये क्लियर करने के लिए ऐसी बात नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फाके नहीं रखे होंगे, मैंने शायद रेलवे स्टेशन में मैं सोया नहीं होंगे, मैं एक अमीर बाप का बेटा, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना भाई. नहीं नहीं बिल्कुल. मुझे ज़रूर चांस तो ज़रूर मिल गया बॉबी में मैंने काम करने का, और बॉबी में जब काम किया मैंने बाय डिफॉल्ट किया है, वो हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी. खैर बहरहाल बॉबी रिलीज हुई, पिक्चर हिट हो गई, मैं ज़रा कुछ बड़ा सा स्टार बन गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दौर में मैंने कदम रखा था उन दिनों में म्यूजिकल्स और रोमांटिक फिल्म्स की अहमियत कम हो गई थी. अच्छा. ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मार पिटाई की पिक्चरें देखनी थी, और हम भूलते हैं कि उस वक्त एक एंग्री यंग मैन सीन पे भी आ गया था. जंजीर और बॉबी एक ही साल लगी थी. क्या बात है. लेकिन मुझे एक्चुअली सामना करना पड़ता था उन सब तूफान जैसे जो एक्टर होते थे जिनके हाथ जो मार पिटाई की पिक्चरें करते, अच्छी पिक्चरें करते थे, वेल गुड फिल्म्स एंड वेल एक्टेड फिल्म्स, बट मेरा सर्वाइवल तो उन्हीं के सामने होता था. तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने शायद स्ट्रगल ये नहीं किया होगा फॉर अ ब्रेक इन द फिल्म, बट जिंदगी का 25 साल उसके बाद मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उनके सामने रहते हुए. बहुत बड़ी बात है. और दूसरा ये कि जीते जी किसी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, उन पे किताबें बहुत लिखी गई लोगों की. तो एक जरूरी था कि मैं अपनी जर्नी, अपने काम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी जो कमजोरियां हैं, मैंने अपने आप को ही दोष दिया हर चीज में, जहां मैंने गलत काम किया मैंने सब खुलासा कर दिया. इसलिए ये जरूरी था ये किताब लिखना, बहुत जरूरी था. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. ये सब मुमकिन तब हुआ है जब हार्पर कॉलिंस ने मुझे अप्रोच किया था. मैं मेरे जैसा आदमी, लेजी आदमी, इम्पेशेंट आदमी कहाँ किताब लिखेगा. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ बैठे हैं, हिज नेम इज मिस्टर शांतनु रे चौधरी. वेलकम वेलकम. ये एडिटर हैं हार्पर कॉलिंस के. सर एक बात की तो मैं दाद देता हूँ, आपने बहुत ही सही इंसान को चुना, आपको पता था
कि बड़ी मजेदार चीजें निकलने वाली हैं। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू एनकाउंटर समबडी हु इज सो ऑनेस्ट, इतनी खुलासे से इतना कुछ कह जाना, एंड द फैक्ट दैट वी एक्चुअली मेड दिस बुक हैपन इन अबाउट टू मंथ्स, लास्ट टू मंथ्स। मतलब ये हाल हो गया था कि ऋषि जी मुझे बुला लेते थे, अच्छा चले आओ बॉम्बे, पिछले दो महीने से मैं घर में कम, इनके घर ज्यादा रहा। सो मेरा राशन ज्यादा खाता था, घर का राशन कम खाता था। सो मच सो कि मेरे कलीग ये बोलने लगे कि तुम अब ये काम के लिए नहीं जाते हो, उनके लंच के लिए जाते हो। अगर आपकी वाइफ जो है वो आपकी केयर करती हो, आपको सपोर्ट करती हो, तो जिंदगी और इजी हो जाती है। और क्योंकि ये वैलेंटाइन वीकेंड भी है, सो मैं यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा इनकी बेटर हाफ, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, मिसेस नीतू सिंह कपूर जी का। सत श्रीकाल मैम, सत श्रीकाल। आइए मैम, हमारी बारी है। जी जी जी, प्लीज, मुझे पता था आएगा कुछ ना कुछ। बनती हैं आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं, अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें, सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई देती है। थैंक यू। अरे मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऋषि सर, आई लाइक हिम सो मच, तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो, जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में, कहते कपिल शर्मा, तो उसको बोलो मेरे को फोन करो, तुम कौन हो। तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट इन करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया, मैं सॉरी सर, मैंने आप ओके सर, यू कैन अंडरस्टैंड माय लव फॉर यू। अच्छा, मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहां होंगे मेरे हस्बैंड, साथ में तो होंगे। सो आई वाज लाइक, पर आप डरते क्यों है इतना? मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। आई वाज इन, वेयर वाज आई? भोपाल। भोपाल का था? भोपाल में था। राइट सर, पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। बट यू नो, मैंने एक बात सीखी है, ऋषि साहब से कभी डरना नहीं। अच्छा, अगर जोर से बोले ना आप, उससे जोर से बोलो। अच्छा, दैट्स व्हाट आई डू व्हेन ही डज बू टू यू, डू बू बैक। सारी पत्नियां प्लीज ध्यान से सुने। सो ये जब बोलते हैं नीतू, आई सेड व्हाट, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग, आई सेड यू आर स्क्रीमिंग, ओके देयर गोस लव। अच्छा, हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी, आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने बहुत, तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। जब ये लिख रहे थे, आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयां बड़ाइयां ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज़ अच्छा। ये तो कभी सोचते ही नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं ट्विटर पे, तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, आई सर आप पूरा लिख लो, फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। तो सर ये सबके साथ बात है, भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी आपको पता नहीं, तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है। सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मेरे, मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं, तो हमने मेडल मंगवाया स्पेशली। ऋषि सर आज, अच्छा ऋषि सर एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है मेरे, अच्छा। मैं जब नहीं होता हूँ तो इसे, इमेजिन हिज मदर टेल्स मी कि मैं हर साल एक मेडल तेरे को देना चाहती हूँ, टू बी विद माय सन। मतलब इतना बुरा हूँ मैं? नहीं, पर ऐसी ऐसी बात नहीं है, ही इज नॉट दैट बैड, ही इज, मैं इतने साल आई बीन विद हिम, इट्स, ही हैज टू बी गुड आल्सो, राइट? यस ऑफ कोर्स, देयर हैज टू बी अ लॉट मोर गुड देन बैड, समझ गया? मैं समझ गया, ही इज अ स्वीट हार्ट। अच्छा ऋषि सर, आप पता नहीं ऐसा बहुत कम होता होगा, क्योंकि जब प्यार हुआ आपको, फिर शादी हुई,
फिर आप एक जिंदगी साथ में बिताते हैं तो कभी कभी बोलना भूल जाते हैं। आज आपको नीतू मैम को जो बोलना दिल से, अगर आपको सॉरी भी बोलना है या अप्रिशिएट करना, जो बोलना हम सुनना चाहते हैं सर, आप क्या बोलते हैं? मुझे बोलना है यार, अगर बोलना तो तेरे सामने, उनके सामने क्यों बोलना है? पर आप बोल रहे थे ना कि मुझे मेडल देना है। मेडल मुझे नहीं, आप लोगों को देना चाहिए यार, मैं क्या मेडल दूंगा? तो मेडल कहाँ है? एक्चुअली हमने मेडल मंगवाया है। मेडल लाओ। सीरियस? कहाँ है मेडल? वाकई तू कर रहा है यार? सर एक्चुअली मेडल लेके आए सर, हमारे शो के हिसाब से बजट जो वर्ड्स बेस्ट वाइफ इस पे लिखा गया है, कि अभी जब आपने बात की हमने उसी टाइम तैयार करवाया है। ओह माय गॉड, साथ में खूबसूरत दिखने के लिए थोड़े फूल भी हैं बजट के हिसाब से। बाकी करूंगा। अच्छा नीतू मैम, एक मैं जयराम जी से बात कर रहा था, वो ये बोल रहे थे कि जब नीतू मैम आए तो आप उनसे एक सवाल, जो ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ जी, अब डरते क्यों? वो मेरे साथ बैठे हुए ना। अरे यार अच्छा ओके हाँ। मैं ऐसे ही मतलब हाँ। कभी आपके कभी होता ही है जैसे कि आपस में मियां बीबी रहते हैं सारी, कहाँ है? अच्छा मीटिंग चल रही है, ऐसी आ जाते हैं? नहीं नहीं रख दो, होता ही है, होता है। रीटेक हो गया ना? नहीं सर कोई रीटेक नहीं है, ऐसा ही चलेगा। बट आई थॉट चाय वाय नहीं मिलती। अच्छा आप कुछ लेंगे मैम? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो एक्चुअली इतना भी नहीं चलता भाई, फोन तो बंद कर लो। किसका बजा फोन? मेरा था। तो एक्चुअली ये जयराम जी का सवाल है सर, मेरा नहीं। वो कह रहे थे कि पूछना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दो बर्तन खटकते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम नहीं, ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 इयर्स रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती हूं बस मैं जा रही हूं। बट फिर अरे कब? बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयां होंगी कि मैं रह जाती हूं। so sweet. जाती नहीं हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.